मातरम नहीं बोलूंगा, मेरे धर्म के खिलाफ है। क्या बोलते रहे, वंदे मातरम बोलने से आपके अरे मेरे धर्म के खिलाफ है। तो चौहत्तर धारा की बात करो तो आनंद मुसलमान वंदे मातरम बोलो तो बीजेपी अरे खून के नतनत में है। वंदे मातरम भारत माता की, फक्र है मुझे पर वंदे मातरम। अरे सारे जहां से अच्छा माजिद साहब रहने दीजिए, अब नहीं हो पाएगा। माजिद भाई बंद करो, अभी बंद करो, बस बस अब नहीं हो पाएगा। माजिद देखिए बिल्कुल सही बात कहा बिट्टा साहब ने, आज साहब ने दिल भी जीता है, महफिल भी जीती है। इनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए नया उजाला लेकर आया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, जय हिंद। सरदार पटेल की जयंती पर, राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश काफी हद तक एक सूत्र में बंध गया। 5 अगस्त को संसद में अनुच्छेद 370 हटाने का बिल लाया गया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने आज से केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इसका जवाब देने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जीवीएल नरसिम्हा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, एमएस बिट्टा साहब अध्यक्ष एआईएटीएफ के हमारे साथ जुड़ गए हैं, माजिद हैदरी साहब कश्मीरी पत्रकार है हमारे साथ जुड़ गए हैं, दुष्यंत नागर संयोजक है केएसएस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, याना मीर चंदानी कश्मीरी एक्टिविस्ट है हमारे साथ जुड़ गई है, मंजूर जहूर साहब हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीरी पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिट्टा साहब देखो रूबिका जी, कांग्रेस से मैं दूर ना हुआ, मैं तो आजाद विचारधारा का हूं। बचपन से मेरा सपना था, आज मुझे 35-40 साल हो गए टेररिज्म के खिलाफ लड़ते लड़ते। उस वक्त भी मेरी आवाज 370 धारा की थी बचपन के अंदर, और आज जिस दौर में है आज भी मेरी आवाज थी 370 धारा। हम तो 35 है मांगी थी, 370 धारा तो हम सोच ही नहीं सकते थे मिलेगी। पर ये ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सीपीएम, ना सीपीआई, ये सरदार पटेल जी का अधूरा सपना तो था, आज के दिन पूरा हुआ। हिंदुस्तान की करोड़ों जनता को पूछिए आज के दिन कि ये सपना हिंदुस्तान की करोड़ों जनता का, दुनिया में बैठे हुए हर करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा हुआ है। हम नहीं सोच सकते थे कि हम मर के बार बार जन्म लेंगे कि 370 धारा हटेगी। ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये आपका नहीं है, ये पूरे मातृभूमि का मुद्दा था। हमारे लाखों जवानों की, लाखों बेगुनाह लोगों की शहादत हुई, खून की नदियां बही, और खून की नदियां बहने के बाद ये मौत का कफन तो किसी ना किसी ने बांधा। होंगे नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के, होंगे अमित शाह जी, हम जिके लेने देना, हमारे लिए तो प्रथम राष्ट्र है, हमारे लिए नरेंद्र मोदी माजिद तो पाकिस्तान के मुशर्रफ नहीं है। माजिद आज हमें आजादी मिली है वहाँ। अब आज से एक नया चैप्टर शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर का। आपको ये बता दूं कि आज मैंने सपने में रात को नेहरू जी और पटेल जी को देखा, वो दोनों एक साथ थे। अरे बात तो सुने, पटेल साहब, सरदार पटेल जी और नेहरू जी एक साथ थे, दोनों उदास थे। कहा जो धारा 370 लगाने का फैसला हुआ था, पटेल जी ने कहा माजिद हिस्ट्री की किताब पढ़ना मेरे घर में हुआ था, नेहरू जी मेरे घर आए थे धारा 370 जनाब, और मैंने कहा था हाँ बिल्कुल ये करो। आपने कहा वहां बलात्कार कोई नहीं हुआ, अगर मेरी आपने कहा तो और नहीं हुआ की क्या मजा दिया करते, बोला मैं इस फैसले के साथ था, उसका जिम्मेदार कौन था उस वक्त? आप कहा थे हजारों कश्मीरी पंडित साहब, हजारों कश्मीरी पंडित वापस आए तो आप कहा थे कश्मीरी पंडितों के लिए आपने क्या किया? आप बताइए ना, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो, हमारा भाई है कश्मीरी पंडित, आप कहा थे? आप कहा थे उस वक्त जब कश्मीरी पंडित गए? मैं पूछना चाहता हूँ कहा थे आप कश्मीरी पंडित? क्या भाई है, अगर भाई हमारे जवान आप कहाँ थे? हमें हमारे जवानों को लूटने आए गए तो आप कहाँ? आज कोई कश्मीर में मातम है? आज मातम? अरे कोई मातम नहीं, आपके लिए मातम होगा जनाब, हिंदुस्तान हिंदुस्तान के लिए आपने चोरी चोरी चुपके चुपके शब्द बयान किया। आप हालात देखिए, चोरी चोरी चुपके चुपके माजिद हैदरी साहब, माजिद हैदरी साहब इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है, कोई मातम नहीं हो रहा है। फक्र से लोग अब अग्रसर हो रहे हैं डेवलपमेंट की तरफ। उत्तर प्रदेश के एक आदमी पर होम मिनिस्ट्री का आंकड़ा है 4,094 रुपए कुछ खर्च होते हैं, और एक कश्मीरी पर 97,000। मुझे जरा कश्मीर के आतंकवादियों की डेफिनेशन दीजिए। देखिए आतंकी बुरहान वानी पर दो शब्द कहिए, पूरे भारत में आतंकी हैं, जरा कश्मीर से शुरुआत करते हैं। कश्मीर का आतंकी बुरहान वानी, माजिद साहब शुरू हो जाइए।
कश्मीर का आतंक क्यों रहा? कश्मीर में आतंक नहीं है। ओ कश्मीर में अगर आतंक है तो कश्मीर में आतंक नहीं है और पूरे भारत में आतंक है। कम ऑन माजिद अहमदी, कम ऑन, हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा पार कर दिया आपने। कभी आपने चाइना आम कर दिया और कहते कश्मीर में आतंकवाद नहीं है, ये आप कहते हैं। विराट पानी के बारे में बोलिए, पहली बार भी सवाल पूछा था, आज भी सवाल पूछते हैं। विराट पानी कौन था? पहले भी पूछा, आज भी पूछता हूँ, बताइए। विराट पानी अगर वो बच्चा उसको मजबूर कर दिया आपने बंदूक उठाने पे, सवाल पूछना चाहता हूँ। बच्चे को मजबूर कर दिया विराट पानी उठाने पे, आज फिर पूछूंगा कौन है विराट पानी? अरे खुद कौन है कि हम आतंकवादियों के सरदार है जनाब? खुद कहो आतंकवादियों के गुरु है आप, बेगुनाहों के कातिल है आप। बच्चों को अरे कश्मीर को छोड़िए, पीओके को लेकर रहेंगे, याद रखिएगा। अपने कश्मीरियों को हमेशा पीओके करेंगे, पीओके को आप हाथ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि मुसलमानों की देखना तो सही बढ़ जाएगी। अरे देखना अब क्या किया 370 धारा होती, क्या किया आपने? बढ़िया धमकियां देते थे, झंडे नहीं तिरंगे लहराए जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से झंडे नहीं। अब क्या क्या किया? क्या हुआ? क्या किया? बोलिए कल सुबह बोलने के अलावा किया क्या? अब पीको पीओ के लेकर रहेंगे ना? अरे अरे किया क्या बताओ? 370 धारा के बाद क्या किया आपने? क्या किया आपने? हमला होगा। अरे ये नहीं होता, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, प्रथम राष्ट्र को, ये कोई तरीका है? सिख सिख की बात करेगा, मुसलमान मुसलमान की करेगा, हिंदू हिंदू की करेगा? ऐसे देश नहीं बचता जनाब। देश बचता है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना है। ये अपने सिख भाई हमारा भाग के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने जनरल डायर की गोलियां खाकर इस देश को बनाया था जनाब, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग में आ रहे थे, जलियांवाला बाग में कोई आ रहे थे नहीं थी। माजिद साहब आपको जलियांवाला बाग में कोई गोड से नहीं था, कोई आरएसएस नहीं थी। ठीक है, आरएसएस और गोडसे की बात कौन कर रहा है? आपको क्या दिख रहा है बिट्टा साहब? क्या दिख रहा है आपको? जानते भी है बिट्टा साहब के बारे में आप? 15 बार कैसे बना देते हैं मुसलमान? तो बीजेपी अरे खून के नतनत में है, वंदे मातरम भारत बाजी मेरे प्राण बीजेपी याना। शर्म आएगी ना माजिद अहमदी साहब, आपको तो प्रथम राष्ट्र बोलने में शर्म आएगी। माजिद अहमदी आपको जय हिंद बोलने में शर्म आएगी, वंदे मातरम, आपको भारत माता की जय बोलने में शर्म आएगी। मैं सरदार हूँ, मुझके सबसे पहले वंदे मातरम बोल के दिखाइए। बोलिए वंदे मातरम, बोलिए वंदे मातरम। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, मुसलमान इतिहास काल ने मेरे को पाप लगेगा, मेरे को धर्म का पाप लगेगा। मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मेरे धर्म के खिलाफ है। क्या बोलते रहे वंदे मातरम बोलने से? आपके अरे मेरे धर्म के खिलाफ है, करोड़ों लोग धर्म के खिलाफ है। हमारे नत्र तो सारे चांस से अच्छा कहूंगा, मगर वंदे मातरम नहीं कहूंगा। एक शेर सुनना, मन में बंदे मात्र बंदे मात्र मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं तो चाहता हूँ वाला महिमा ने कहा था, सारे जान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो 70 साल पहले उन्होंने कहा था, ये बंदे मात्र मंत्र हमारे साथ मुसलमानों के साथ, बंदे मात्र हर दिन आप ये ड्रामा करते हो मुसलमानों के साथ, कभी भारत माता की जय को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। तो सरदार होंगे, फक्र है मुझे पर वंदे मातरम। अरे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था। मजहब नहीं सिखाता हिंदू, अरे मुझे मुसलमान होने पर क्यों है फक्र है? हिंदुस्तान हमारा बोलो ना, हिंदुस्तान हमारा हिंदी है बोलो ना, मजहब नहीं बोलो ना, मजहब नहीं सिखाता। हिंदी है हिंदू नहीं है, आगे खत्म है हिंदू नहीं है, आगे खत्म। मेरे से पूछो, हिंदी है हिंदी है वतन के, हमारे से बता दो हम हिंदी है हिंदू नहीं है। बहुत खूब बोलो माजिद साहब, रहने दीजिए, अब नहीं हो पाएगा। माजिद भाई बंद करो, अभी बंद करो, बस बस अब नहीं हो पाएगा। माजिद देखिए बिल्कुल सही बात कहा बिट्टा साहब ने, आज बिट्टा साहब ने दिल भी जीता है, महफिल भी जीती है, इनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जो सोच बिट्टा साहब की है
वही भारतीय बिट्टा साहब ने आज अगर हमें पंजाबी को अपमानित किया है, पंजाबी जबान को अपमानित किया है, बिट्टा साहब ने पंजाबी में पंजाबी का साथ नहीं दिया, सबको साथ लेके चलना है। कृष्ण साहब, ये ना माजी दायित्री साहब, ये तोड़फोड़ की जो आपकी लैंग्वेज है ना, ये वाया पड़ोसी मुल्क आती है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। माजी साहब, आप सुकून दीजिए अपनी आवाज को, आवाज नीची। दुष्यंत साहब, नहीं देखिए, जो सर ने कहा है, मैं बहुत इनका अभिनंदन और वंदन करके कहना चाहता हूँ, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत, और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर अच्छे दिन लाने हैं और भारत को सशक्त करना है, तो यही थ्योरी, यही आइडियोलॉजी हमें अपनानी होगी, इसी पे चलना होगा और भारत को आगे लेके चलना होगा। जिसमें सर ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपकी आपकी क्लास, आपके लेक्चर हमें बहुत अभिभूत कर रहे हैं। धन्यवाद। ये साहब पहले कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, पंजाबी बाद में हूँ, सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ, कश्मीर हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का रहेगा, गर्व है इस भारत के ऊपर। ये कहो, मत कहो मतलब कश्मीरी, आप कहो हम भारतीय। बेटा सर, मैं भी जय खालसा जय हिंद बोलता हूँ। हाँ तो मैं अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। नहीं, और एक सेकंड, एक सेकंड, यूपी के बैठे आदमी को भी हक है कि वो कश्मीर की बात करे, बिहार में बैठे आदमी को हक है कि वो कश्मीर की बात करे, राजस्थान की बैठी एंकर को हक है कि वो कश्मीर की बात करे। अरे क्या जरूरी है, आपको पता है, आपको पता है कि एक्टिविस्ट का उस जमीन से जुड़ा होना जरूरी नहीं है। जिस तरह से मैं जाकर सीरिया में कर सकती हूँ एक्टिविज्म, नहीं मैं जाकर सीरिया में कर सकती हूँ, जरूरी है कि मेरा सीरिया से लगा हो। ये क्या बात हुई है, इस बहन के ऊपर सुलझे हुए इंसान सर, मुझे लगा एक्चुअली वी आर प्राउड ऑफ हरियाणा। जैसों को निकलना क्यों पड़ा, वही तो है, हम जैसों को अपनी धरती छोड़ के निकलना क्यों पड़ा, यही तो सवाल है। नहीं रुकियाना, रुकिए एक सेकंड, कितनी विंडोज अभी हैं स्क्रीन पर, मुझे मिलाकर मेरे ख्याल से सात विंडोज इस पर नजर आ रही है लोगों की। हम सातों कश्मीरी हैं सर, और हम सातों हिंदुस्तानी हैं। सातों कश्मीरी, सातों हिंदुस्तानी। अब बताइए, आप सूफी हैं तो इस बात को मानेंगे कि याना भी कश्मीरी है, रोबिका भी कश्मीरी है, एमएस बिट्टा भी कश्मीरी है, और दुष्यंत भी, और वो माजिद हैदर, माजिद हैदरी चूज कर सकते हैं, माजिद हैदरी जो है वो चूज कर सकते हैं, माजिद हैदरी चूज कर सकते हैं। आप क्या चूज करना चाहेंगे सर, आप क्या, मैं आपको अलग अलग कंट्री के नाम दूं? नहीं 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 है, दो मिनट इनको पूछना, आप क्या है, हिंदुस्तानी है या कश्मीरी है, बताइए, आप बताइए। मुझे तो हिंदुस्तान से सरदार होके फक्र है, फक्र है भारत के ऊपर, फक्र है महाराणा रणजीत सिंह की धरती के ऊपर, फक्र है गुरु गोविंद सिंह जी की धरती के ऊपर, फक्र है महाराणा प्रताप की धरती के ऊपर, फक्र है शहीद आजम भगत सिंह की धरती के ऊपर, फक्र है इस्तफाकुल्ला खां की धरती के ऊपर। आप बताइए, फक्र है हमें इस हिंदुस्तान के ऊपर, आप क्या है बता दीजिए, बताइए, एक मिनट बताइए, बताइए आप क्या है, खिलजी की धरती, अरे बताइए ना, इतना हिंदुस्तान कश्मीर, अब्दुल हमीद का नाम सुना जिसने शरीर के ऊपर अपने बांध बांध के पाकिस्तान के साथ टैग दबा किए थे, फख्र है उन्हें उस अब्दुल हमीद के ऊपर, उस फख्र है हिंदुस्तान के ऊपर। आप क्या है, आप क्या है बताइए, अरे बताइए ना, हिंदुस्तान या कश्मीर, दोनों में एक बार, एक सेकंड मिनट, मुझे भी फख्र है गांधी की धरती पर, प्लीज प्लीज, मुझे भी फख्र है इंदिरा गांधी की धरती पर, मुझे फख्र है बाबर और अलाउद्दीन खिलजी की धरती पर। हाँ। अच्छा, हाँ, और आगे आगे बोलिए ना, मुझे टीपू सुल्तान की धरती पर फख्र है। हाँ, बताइए, कश्मीर या हिंदुस्तान, फख्र है इन सबों पर। अरे मुंह से बोलने में क्या तकलीफ है जनाब, मुंह से बोलिए, जैसे हम बोलते हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इसके ऊपर बोलिए। आप एक सेकंड बिट्टा साहब, फख्र कीजिए शंकराचार्य पर भी, फख्र कीजिए आप उस जमीन पर है, यही रेडिकलाइजेशन है माजिद हैदरी, जो ले डूबेगा आपको याद रखना।
आपको सारे नाम जो याद रहते हैं वो आपकी कौम के नाम याद रहते हैं, दिस इज रेडिकलाइजेशन। सूफी धरती से है ना, तो शंकराचार्य को भी उतना ही फक्र से याद कीजिए जितना आप सूफी को याद करते हैं, जितना आप बाकी अपने मुगल शहंशाहों को याद करते हैं।